कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। इसको लेकर शुक्रवार को थरूर राजधानी भोपाल में थे, जहां पत्रकार चर्चा में उन्होंने कहा कि खड़गे के खिलाफ भले ही चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका उनसे कोई मतभेद नहीं है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने कहा कि खड़गे या थरूर में से जिसे वोट देना चाहे वे उन्हें दे सकते हैं। इस दौरान किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में पीसीसी अपील नहीं करेगी। उधर नर्सिंग में घपले घोटालों को रोकने के लिए इन कॉलेजों को मान्यता देने से पहले सरकार ने कई सारे रूल्स लागू कर दिए, जिसके चलते अब इनमें थर्जीवाड़े की संभावना न के बराबर है। राजधानी भोपाल में नगर निगम 3 दिनी एक्सपो लगाने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत शहर के विभिन्न लोकेशन पर बनाए गए आवास और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी है। इसके अलावा भोपाल पेंशन एसोसिएशन ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर अपनी मांग पत्र सौंपा है। तो वही 16 तारीख को देश के गृहमंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस ने एक विशेष बैठक बुलाई। इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, जिसमें मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच। इसको लेकर शशि शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे, जहां उन्होंने पीसीसी में पत्रकार से चर्चा में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भले भी चुनाव लड़ लेकिन वे उनके मित्र और सहयोगी हैं और चुनावी प्रक्रिया में जो भी जीतेगा वो साल 2024 की चुनावी चुनौतियों से जूझेगा। थरूर ने कहा कि हम साल 2019 में हमारे वोट परसेंट 19 को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। जिस किस्म के ध्यान और श्रद्धा आप लोग दिए हैं पार्टी पे, जो माध्यमों से और जनरल पब्लिक से हमें मिल रही है, जो इस किस्म की अटेंशन मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्रता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में किसी भी पार्टी ऐसे चुनाव में तय नहीं करती कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सारी पार्टियों कि हमारी भविष्य में पार्टियों भी जो लोकतंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं उनके ही पार्टी के अंदर ये सब दिखाना चाहिए कि ये पार्टी के अंदर वाली चुनाव है। मैं आपसे कहता हूँ कि खड़गे साहब और मेरे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों सहयोगी हैं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और करने भी चाहता हूँ आइंदा। वो हमारे नेता रहे हैं लोकसभा में, जब मैं लोकसभा में उनके साथ काम किए थे, और जब उनका ये है मेरी उम्मीद, और इसके लिए मैं घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें, वे तो मैंने 30 तारीख को ही रिलीज किया। उधर थरूर द्वारा कई स्थानों पर रिस्पांस न मिलने और नेताओं द्वारा अनदेखी का आरोप लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले में फेर नीति अपनाई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि एमपी में हमारे नेता कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि थरूर और खड़गे में से जिसकी नीति पसंद आए उसके समर्थन में वे वोट कर सकते हैं, पीसीसी की तरफ से कोई एजेंडा जारी नहीं होगा। सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया तक कमलनाथ और वे दोनों प्रदेश समितियों की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। आज जिसको जहाँ दोनों उम्मीदवार हैं खड़गे जी और थरूर जी, जिसकी जहाँ इच्छा है, जिसका जहाँ मन है, अपने वोट देने के लिए स्वतंत्र हो, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, ना किसी की, कोई प्रदेश के नेताओं की, अध्यक्ष की और मेरी कोई किसी के पक्ष में राय है। अपने आप जिसको जो नीति जिसकी अच्छी लगती हो, जिसके कार्यक्रम अच्छे लगते हों, जो पसंद का उम्मीदवार है उसको स्वतंत्र रूप से मतदान करें, ऐसा मध्य प्रदेश में तय हुआ है। प्रदेश प्रतिनिधियों की पीसीसी की, उसमें न तो कमलनाथ जी बैठक में शिरकत करेंगे, न मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते कर सकूंगा, क्योंकि निर्वाचन के आयोग के हमारे अध्यक्ष माननीय मधुसूदन मिश्री जी का ऐसा निर्देश है कि वरिष्ठ नेता निष्पक्ष रहें, किसी एक पक्ष के साथ बैठ के मीटिंग या निर्देश नहीं करें, पूरी तरह से थरू उनका मधुसूदन मिश्री जी का निर्देश आदेश का पालन कमलनाथ जी और मैं स्वयं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बीते एक साल में 247 कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई। ऐसे में फर्जीवाड़ा रोकने सरकार ने जीआई टैगिंग से लेकर स्टाफ के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगने तक के बाद ही नए नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति जारी करने का निर्णय लिया है। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेजों का पूरा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। निर्णय लिया मेरे कार्यकाल में, मैंने सख्ती के साथ नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता की प्रक्रिया को सख्त किया है। हमने 3 स्तर पर ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, और उसको पूरा आईटी बेस हमने परमिशन की प्रक्रिया बनाई है। जियो टैगिंग से लेकर आधार लिंकिंग, हर टीचर का वेरिफिकेशन और उन टीचर्स के एफिडेविट, इसके बाद ही किसी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता मिलेगी। क्योंकि ये लगातार शिकायतें आती थी कि बिल्डिंग में कमी है, टीचर्स की युक्ति करण नहीं है, एक ही टीचर दो दो तीन तीन जगह है, इसीलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है और हमने पिछले साल 247 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त की थी।
और आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जेन्युइन कॉलेज है वही कॉलेज चले, फर्जीवाड़ा नर्सिंग में नहीं चलेगा। नगर निगम द्वारा भोपाल शहर में आधा दर्जन स्थानों पर कवर्ड कैंपस में फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने के लिए एक्सपो 2022 लगाने की तैयारी की जा रही है। 3 दिन का आयोजन एमजीएम खेल मैदान में होगा, जहां निगम के द्वारा ग्राहकों को बैंकर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेयर मालती राय ने पत्रकार चर्चा में कहा कि इन कवर्ड कैंपस में न केवल लिफ्ट सुविधा बल्कि पार्क और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निगम द्वारा इस एक्सपो का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। भोपाल नगर निगम देश में पहली बार नगर निगम एक्सपो आयोजित भोपाल नगर निगम कर रहा है। MBM का ग्राउंड है, 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर 3 दिन का यह एक्सपो रहेगा। जैसा कि हर एक सदस्य का सपना रहता है कि मेरे घर की छत मेरी खुद की हो, उसी तारतम्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि हमारे देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे भोपाल की जनता को छत मिले। उसी तारतम्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाए गए हैं। नगर निगम भी लोगों को सुविधा अनुसार EWS, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK प्राइम लोकेशन पर बनाकर दे रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर भोपाल पुलिस ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें आला अधिकारियों ने गृह मंत्री की सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनके पहुंचने और उनके दिन भर के कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कमिश्नर मकरंद देवस्कर के अलावा एडिशनल कमिश्नर सचिन अतुलकर सहित अन्य आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। भोपाल पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर वित्त मंत्री जगदीश दुड़ा से मुलाकात की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा महंगाई राहत पेंशनर्स को जितना मिलना थी उस हिसाब से नहीं मिल पा रही। इसके अलावा अवकाश नकदीकरण से लेकर अन्य मामलों में भेदभाव हो रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारी लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। पेंशनर संघ ने भी इसी को लेकर अपनी बात रखी। आज हम माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो जुलाई 19 का 5% महंगाई भत्ता स्थगित किया हुआ है, आज 2.5 साल हो गया है उसको बहाल ना करने के कारण प्रदेश में कम से कम 80,000 ऐसे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, जिनको कम से कम 17% महंगाई राहत से उनको ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलना था, किंतु उनको मात्र 12% से दिया जा रहा है। इससे उनके बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसी प्रकार प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को भी वो 5% जो स्थगित किया उसका भी अभी तक कोई एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि से 31% महंगाई भत्ता देना था, इसी प्रकार जुलाई 22 से 34% महंगाई भत्ता देना था, जो ना देके आगे और आगे की तिथियों से देते हैं उसका भी एरियर नहीं दे रहे हैं। इसके कारण जो आज दिनांक तक भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उसको भी अवकाश नकदीकरण और उपादान में काफी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को देय तिथि से देंगे, हम कर्मचारियों से कोई समझौता नहीं करेंगे।